डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आपके थ्योरी एग्ज़ाम चले हुए हैं, काफ़ी सारे एग्ज़ाम आपके ख़त्म भी हो चुके हैं और कुछ एग्ज़ाम आपके अभी बचे हैं। उन्हीं में से आपका जो माइक्रोप्रोसेसर एंड इंटरफेसिंग जो सब्जेक्ट है, ये एग्ज़ाम आपका अभी बचा हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि माइक्रोप्रोसेसर एंड इंटरफेसिंग के एग्ज़ाम के लिए हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और कैसे अच्छे से जो है उसको स्कोर कर सकते हैं। कुछ भी कहने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करूं कि इस वीडियो में मैं यूनिट के अकॉर्डिंगली कुछ क्वेश्चंस जो है आपको बताऊंगा। ये सिर्फ जो टीचिंग एक्सपीरियंस है उसके बिहाफ पे आपको मैं क्वेश्चंस बताने वाला हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने क्वेश्चन पेपर सेट किया है या आपके यही क्वेश्चन जो है आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे, लेकिन जो पास्ट प्रैक्टिस जो रही है माइक्रोप्रोसेसर एंड इंटरफेसिंग एग्ज़ाम की, उसके बिहाफ पे कुछ क्वेश्चंस जो है मैंने सेलेक्ट किए हैं और वो आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस यूनिट से बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हम इस वीडियो में सिर्फ यही बात करेंगे कि हम माइक्रोप्रोसेसर एंड इंटरफेसिंग थ्योरी एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसमें आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम एक बार नज़र डाल लेते हैं कि जो टाइटल है, कोर्स टाइटल है, वो हमारा क्या है, माइक्रोप्रोसेसर एंड इंटरफेसिंग। कोर्स कोड जो है वो ECE 309B है। ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम वो आपका 3 आवर्स का होता है। मार्क्स जो है आपके 100 मार्क्स होते हैं, वो डिवाइड होते हैं 25 सेशनल मार्क्स और 75 थ्योरी एग्ज़ाम के लिए। पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर जो है वो आपका जो स्कीम है उसमें डिफाइंड है कि जो एग्जामिनर है उसने 8 क्वेश्चन सेट करने हैं और सेलेक्टिंग 2 फ्रॉम ईच यूनिट। और जो कैंडिडेट है, कैंडिडेट मींस कि जो स्टूडेंट है उसको जो अटेम्प्ट करने हैं वो 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस एंड एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट। हर क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो आपके इक्वल रहेंगे। आपका जैसे MPI माइक्रोप्रोसेसर एंड इंटरफेसिंग सब्जेक्ट की बात करें तो आपका 4 यूनिट्स सिलेबस में है, तो हर यूनिट से आपके 2-2 क्वेश्चन सेट होंगे। उनमें से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन हर यूनिट में से आपको 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आपके लिए कंपलसरी है। वो कोई भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, 2 क्वेश्चन 1 यूनिट के आपके प्रोवाइडेड होंगे। तो अगर हम यूनिट 1 की बात करें तो यूनिट 1 का अगर हम सिलेबस देखें तो आपका 8086 माइक्रोप्रोसेसर आर्किटेक्चर की जो है यूनिट है आपका फर्स्ट यूनिट। इसमें जो सिलेबस प्रोवाइडेड है वो आपका आर्किटेक्चर ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8086, डिटेल्स ऑफ सब ब्लॉक्स सच एज EU, BIU, मेमोरी सेगमेंटेशन, फिजिकल एड्रेस कंप्यूटेशन, प्रोग्राम रीएलोकेशन, एड्रेसिंग मोड्स, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, स्पिन डायग्राम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ सिग्नल्स। इसी का जो सेकेंड पार्ट है इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ 8086 एंड प्रोग्रामिंग। इसमें जो है इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन टाइमिंग, असेंबलर इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस, ऑटोमेटिक इंस्ट्रक्शंस, ब्रांच इंस्ट्रक्शंस, लूपिंग इंस्ट्रक्शंस, NOP एंड HLT इंस्ट्रक्शंस, फ्लैग मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस, लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस, शिफ्ट एंड रोटेट इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्टिव्स एंड ऑपरेटर्स एंड सम प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल्स। ये आपका सिलेबस डिफाइंड है फर्स्ट यूनिट का। तो इस सिलेबस के बिहाफ पे अगर हम देखें तो फर्स्ट यूनिट से आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चन आपके जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल हाउ फिजिकल एड्रेस इज फॉर्म्ड इन 8086। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन बन सकता है आपका। सेकेंड जो क्वेश्चन है वो आपका बन सकता है डिस्कस इन डिटेल द सेगमेंटेशन ऑफ मेमोरी इन 8086। थर्ड क्वेश्चन आपका जो मैंने यहाँ पार्ट्स में बात की है ABC, लेकिन ये क्वेश्चंस का जो टाइप है वो आपका अलग भी हो सकता है या सेम भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर। और रीफ्रेमिंग भी हो सकती है क्वेश्चंस की, ठीक है। तो एक्सप्लेन पाइपलाइनिंग स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोप्रोसेसर 8086। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है एक्सप्लेन मेमोरी सेगमेंटेशन इन 8086 माइक्रोप्रोसेसर एंड हाउ इज फिजिकल एड्रेस कंप्यूटेड इन 8086। देखिए,
फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने यहाँ फिजिकल एड्रेसिंग की बात की, फिर यहाँ इसके बी पार्ट में सेगमेंटेशन ऑफ मेमोरी की पार्ट की, लेकिन एग्जामिनर आपका कुछ इस टाइप का क्वेश्चन भी सेट कर सकता है जो सेकंड नंबर है, इन दोनों को कंबाइन करके, और भी बहुत सारे मेथड हैं जिससे क्वेश्चन को फ्रेम किया जा सकता है। थर्ड क्वेश्चन, जैसे आपका डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस इन 8086, जैसे अब हमारे सिलेबस में थी डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस, तो इस तरीके से एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। दूसरा जो तरीका है वो एग्जामिनर कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दे सकता है, जैसे आपके सेशनल एग्जाम में भी क्वेश्चन आए थे, तो उनको आपने विद एग्जाम्पल जो है उसको इलेबोरेट करना है, ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन इस टाइप से आता है तो। दूसरा जो थर्ड का बी है, इलस्ट्रेट द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस विद सूटेबल एग्जांपल, जैसे मैं अभी बात कर रहा था, तो इस टाइप का आपका क्वेश्चन जो है सेशनल में भी आया था, तो इस टाइप से भी अगर इंस्ट्रक्शन से पूछता है तो वो आपका या तो डायरेक्ट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस बोलेगा या आपका जो है इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट लिखेगा और उसको फिर उसको डिस्क्राइब करने के लिए बोलेगा। या एक और तरीका भी इसमें हो सकता है कि आपका चार लाइनों का प्रोग्राम एग्जामिनर सेट करे और उसके बारे में पूछे कि भाई आपका जो इनपुट ये है और आउटपुट बताइए आप क्या आएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है इस यूनिट से, वो बनता है प्रोग्रामिंग का, कि राइट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इन 8086। अब असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम जो है वो किसी भी तरीके का पूछ सकता है 8086 के लिए, तो यहाँ पे जैसे एक एग्जाम्पल लिखा है टू गेट द लार्जेस्ट नंबर इन द डाटा एरे। आप प्रोग्रामिंग के लिए जो है जो प्रिपेयर करेंगे अपने आप को, कम से कम वो प्रोग्राम्स जरूर देख के जाएं एग्जाम में जाने से पहले जो आपने लेबोरेटरी में परफॉर्म करके देखे हैं। उससे ज्यादा जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे आप, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन मिनिमम इतना तो जरूर देख के जाएं जिससे कि आप अपने हिसाब से अगर कोई प्रोग्राम आता है, क्योंकि वहां पे हमारे सिलेबस में सिर्फ सम एग्जाम्पल्स ही लिखा हुआ है, लेकिन ये डिफाइंड नहीं है कि कौन कौन से प्रोग्राम करने हैं, ठीक है। तो प्रोग्राम आपका किसी भी टाइप से सेट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बनता है, जैसे यहाँ पे मैंने बात की टू गेट द लार्जेस्ट नंबर इन द डाटा एरे फोर्थ के ए पार्ट में, प्रोग्राम आपका इस टाइप का भी आ सकता है कि मल्टीप्लीकेशन आपने फाइंड आउट करनी है टू नंबर्स की, 16-bit नंबर्स की नंबर्स प्रोवाइडेड हों, अलग से स्पेसिफिकेशन आपको जिस हिसाब से आपको लैब में हमने अच्छे से कराया है उस हिसाब से आप प्रोग्रामिंग की अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका बनता है, जैसे फिफ्थ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है विद द एड ऑफ सूटेबल डायग्राम ब्रीफली एक्सप्लेन द पिन डायग्राम ऑफ 8086 माइक्रोप्रोसेसर। तो पिन डायग्राम का जो आपने, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो जो आपने मिस्टेक्स की हैं, जो कुछ मिस्टेक्स आपकी देखने को मिली हैं, वो है कि आप पिन नंबर पे जो सिग्नल डिफाइन करते हैं, तो सिग्नल को अच्छे से डिफाइन करें, सही से लिखें उसे, जो सिग्नल जिस पिन नंबर पे है वही वहीं पे लिखें, उसको ऊपर नीचे ना करें, ऊपर नीचे करने से आपका सारा जो है वो गड़बड़ा जाता है। क्वेश्चन के मार्क्स आप अच्छे से देख लें कि क्वेश्चन को कितने मार्क्स का पूछा हुआ है, तो उसी के हिसाब से फिर उसको अटेम्प्ट करें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, जैसे आपका आर्किटेक्चर 8086 का, ये भी आपका आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एक और क्वेश्चन आपका बनता है इस यूनिट से, व्हाट डू यू मीन बाय एड्रेसिंग मोड्स, डिस्कस रजिस्टर इमीडिएट एंड डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड इन 8086 माइक्रोप्रोसेसर। तो यहाँ पे तो मैंने इसमें क्वेश्चन में लिखा कि आपका एड्रेसिंग मोड आपने डिफाइन करना है, और फिर स्पेसिफिक हो गए कि ये वाले एड्रेसिंग मोड आप डिफाइन करिए। तो इसमें भी आप, जैसा आपको क्लास में मैंने अच्छे से इलैबोरेट किया था कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन आपका है, उस हिसाब से आप इसको अटेम्प्ट करें। अगर ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है आपका, आता है एग्जाम में इस टाइप से, तो आप उसको विद एग्जाम्पल इलैबोरेट करें उसको, उससे जो आपके अच्छे मार्क्स अचीव करने के जो चांसेस हैं वो आपके इंक्रीज हो जाते हैं। इसके बाद डिफरेंसेस भी कुछ आपसे पूछे जा सकते हैं इस यूनिट से, जैसे आपका माइक्रो प्रोसेसर वर्सेस माइक्रो कंट्रोलर का डिफरेंस आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, हार्डवेयर इंटरप्ट वर्सेस सॉफ्टवेयर इंटरप्ट का प्रोग्राम आपसे पूछ सकता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो फर्स्ट यूनिट से मैंने यहाँ पे फ्रेम आउट किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस। ये इन क्वेश्चंस में से काफी सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पिछले माइक्रोप्रोसेसर एंड इंटरफेसिंग के थ्योरी एग्जाम के लिए आए हुए हैं,
तो इस हिसाब से आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं सेकेंड यूनिट पे। सेकेंड यूनिट अगर आप देखेंगे तो सेकेंड यूनिट में आपका जो प्रोवाइडेड है वो 8086 की फैमिली का जो आर्किटेक्चर है और प्रोग्रामिंग है वो आपका सिलेबस में है। और दूसरा जो इसका सेकेंड पार्ट है यूनिट का वो पेंटियम प्रोसेसर एंड अदर एडवांस्ड प्रोसेसर्स की बात की हुई है। तो ये जो आपकी 8086 फैमिली के जो प्रोसेसर्स हैं, तो जितने क्वेश्चन आपके 8086 में जिस हिसाब से बने वो क्वेश्चंस आपके यहाँ भी एक डिफरेंट जो प्रोसेसर है उसके लिए बन सकते हैं। लाइक जैसे हमने पीछे आर्किटेक्चर की बात की, पिन डायग्राम की बात की, तो ये अपने आप में 80186, 80286, 80386, 80486 ये अपने आप में सेपरेट प्रोसेसर्स हैं और इन सभी के लिए उस टाइप से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे प्रिपेयर किए हैं सेकेंड यूनिट के लिए। जैसे आपका क्वेश्चन आ सकता है सेकेंड यूनिट में से आपका, जैसे विद ए नीट ब्लॉक डायग्राम एक्सप्लेन द आर्किटेक्चर ऑफ 80486 एंड डिस्कस इट्स मेमोरी सिस्टम्स। तो ये आपका यहाँ पे 80486 की जगह आपका 80186 भी हो सकता है, 80286 भी हो सकता है, 80386 भी हो सकता है, 80486 भी हो सकता है। नेक्स्ट जो है कुछ शॉर्ट में आपका डिस्क्रिप्शन के लिए इससे कुछ आ सकता है पार्ट, जैसे पेंटियम 4 प्रोसेसर के ऊपर आप शॉर्ट नोट लिखिए, मल्टी कोर टेक्नोलॉजी के ऊपर आप शॉर्ट नोट लिखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एनलिस्ट वेरियस फीचर्स ऑफ पेंटियम 2 एंड पेंटियम 3 प्रोसेसर्स। इवन दो एग्जामिनर आपसे, क्योंकि आपके सिलेबस में है तो पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3, पेंटियम 4 प्रोसेसर्स का डिफरेंट फीचर्स का कंपैरिजन भी आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका इससे जो बनता है इस यूनिट से, व्हाट आर मल्टी कोर प्रोसेसर्स, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ मल्टी कोर प्रोसेसर्स, व्हाट आर देयर एडवांटेजेस ओवर सिंगल कोर प्रोसेसर्स। तो इस टाइप से आपके इस यूनिट में क्वेश्चन बनते हैं। थर्ड यूनिट पे आ जाते हैं हम लोग। इसके बाद थर्ड यूनिट जो है जो सिलेबस में है उसमें आपके इंटरफेसिंग डिवाइसेज हैं। इंटरफेसिंग डिवाइसेज में आपका 8255 PPI चिप के बारे में है, उसका आर्किटेक्चर, कंट्रोल वर्ड, बोर्ड्स एंड डिफरेंट एग्जांपल्स। इसके सेकंड पार्ट में, थर्ड यूनिट के सेकंड पार्ट में कुछ पेरिफेरल डिवाइसेज आपके सिलेबस में जो हैं, जैसे इंट्रोडक्शन टू DMA प्रोसेस, 8237 DMA कंट्रोलर, 8259 प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर एंड प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर चिप्स। यहाँ DMA और PIC डिफाइन किया है, लेकिन आपका जो प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर चिप्स हैं वो डिफाइन नहीं किया कि कौन सा है। तो कोई भी आपका प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर चिप एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में डाल सकता है। कुछ क्वेश्चंस मैंने थर्ड यूनिट के लिए भी प्रिपेयर किए हैं, जैसे डिस्कस वेरियस कंट्रोल वर्ड्स ऑफ 8255 प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस, फर्स्ट का ए पार्ट। इसका अगर बी पार्ट देखें आप, तो लिस्ट द ऑपरेटिंग मोड्स ऑफ 8255 प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस, इस टाइप से क्वेश्चन हो सकता है। और इससे हटके अगर वो पूछता है एग्जामिनर, तो ऐसे भी पूछ सकता है कि डिस्कस मोड 0 ऑपरेशन इन 8255 और मोड 1 ऑपरेशन इन 8255 और मोड 2 ऑपरेशन इन 8255, या इनका कॉम्बिनेशन करके भी वो पूछ सकता है, या वो ये भी पूछ सकता है कि डिफरेंट मोड्स जो आपके हैं ऑपरेशन के 8255 के, तो वो आप जो है एक्सप्लेन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डिस्कस द रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8237 DMA कंट्रोलर। 8237 DMA कंट्रोलर का जो रजिस्टर का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपने इसमें एक्सप्लेन करना है, अगर इस टाइप से कोई क्वेश्चन आपका आता है तो। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन, नेक्स्ट का जो बी पार्ट है, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन ब्लॉक डायग्राम 8237 DMA कंट्रोलर। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम भी लिख सकता है वो यहाँ पे, और 8237 का आपका आर्किटेक्चर भी पूछ सकता है। नेक्स्ट है डिस्कस द ऑपरेशन कमांड वर्ड फॉर 8259। एक और क्वेश्चन आपका बनता है, सेकंड का डी पार्ट देखिए आप, एक्सप्लेन वेरियस फंक्शन ब्लॉक्स ऑफ 8259। तो जैसे आपका डिफरेंट ब्लॉक्स हैं 8237 के, इसी तरीके से आपका 8259 के ब्लॉक्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट आपका है एक्सप्लेन एंड इलस्ट्रेट द ICW
फॉर्मेट्स ऑफ 8259, और एग्जामिनर कैसे पूछ सकता है आपका ICW अगर नहीं पूछता है तो आपका OCW फॉर्मेट्स ऑफ 8259 का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो ये आपका जो है थर्ड यूनिट से ही क्वेश्चंस हैं। एक्सप्लेन हाउ दी प्रायोरिटी इंटरप्ट कंट्रोलर कैन बी इंटरफेस्ड विद 8086 इन कास्केड मोड। तो इस टाइप से आपका प्रायोरिटी इंटरप्ट कंट्रोलर्स का इंटरफेसिंग भी हो सकता है या किसी और डिवाइस का इंटरफेसिंग भी 8086 के साथ जो है अगर करना है तो इस टाइप के क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट है आपका ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ एनी प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर। चूंकि आपके सिलेबस में डिफाइंड नहीं है तो एग्जामिनर आपका सेट कर सकता है कि एनी प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर आप ड्रॉ एंड एक्सप्लेन करिए, और स्पेसिफिक भी हो सकता है वो कि ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ IC8253 और IC8254 प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर। ये जो ICs की बात की है उनका आपसे पिन डायग्राम भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट एक्सप्लेन द फॉलोइंग, कुछ शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस भी इससे बनते हैं, जैसे BSR मोड एक्सप्लेन करिए आप, DMA को एक्सप्लेन करिए, 8255 PPI चिप को एक्सप्लेन करिए। इस टाइप से भी एग्जामिनर आपका क्वेश्चन एक जो है सेट कर सकता है इस यूनिट से। नेक्स्ट लास्ट यूनिट है आपकी यूनिट 4। यूनिट 4 में आपका कम्युनिकेशन इंटरफेस का पार्ट है जिसमें पैरेलल इंटरफेस, सीरियल इंटरफेस, PCI इंटरफेस, PCMCIA, USB इंटरफेस ये सारे हैं आपके। पर्सनल कंप्यूटर इसका सेकेंड पार्ट है यूनिट 4 का। इसमें मॉडर्न PC, मदरबोर्ड, चिपसेट, एक्सपेंशन बसेस, मेमोरी, SIMM एंड DIMM ये आपका सिलेबस का पार्ट है। तो इससे जो क्वेश्चन आपके बनते हैं वो कुछ इस टाइप से बनते हैं, लाइक व्हाट आर वेरियस स्टैंडर्ड इंटरफेसिंग फॉर्मेट्स, ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर डाल सकता है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए आप, डिफरेंशिएट बिटवीन सीरियल एंड पैरेलल इंटरफेसिंग, ये एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, हाउ डज ए सीरियल कम्युनिकेशन इंटरफेस वर्क एंड एक्सप्लेन इन डिटेल RS-232, क्योंकि RS-232 आपके सिलेबस में है। राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग्स, इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है आपका, DIMM, USB इंटरफेस, SIMM या फिर सेंट्रोनिक्स पैरेलल इंटरफेस। सेंट्रोनिक पैरेलल इंटरफेस जो है वो आपके सिलेबस में कहीं वर्ड लिखा नहीं है, लेकिन पहले एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन आता रहा है। ठीक है, तो आप इसको देख के जरूर जाएं कि ये क्या होता है, कैसे काम करता है आपका ये स्टैंडर्ड। तो ये आपका था यूनिट के अकॉर्डिंगली कि किस टाइप से क्वेश्चंस आपके यूनिट से बनते हैं, लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं है कि यही क्वेश्चन आने वाले हैं आपके, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि कैसा एग्जाम होगा, क्या होगा। लेकिन हाँ, प्रीवियस ईयर्स के बिहाफ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए प्रिपेयर किए कि जिससे कि आप अच्छे से, अगर ऐसे क्वेश्चन इनमें से कुछ क्वेश्चन भी मिलते हैं या एग्जामिनर मिक्स करके कुछ क्वेश्चन देता है इस टाइप से, तो उसको जो आप अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि आप प्रिपेयर्ड होंगे लिखने के लिए, आपका माइंड सेट होगा कि आपने अटेम्प्ट कैसे करना है, तो उसमें आपका जो टाइमिंग्स हैं, आपका टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि ये जो थोड़ा सा लेंथी होता है ये इसका जो पेपर है MPI का, तो आपके जो टाइमिंग्स हैं, आपके टाइमिंग्स की जो है यहाँ पे सेविंग होगी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में, क्योंकि आपको सब प्लान्ड है कि आपने क्या लिखना है, किस क्वेश्चन में क्या आंसर रहेगा आपका। अगर इसमें से कुछ आएगा, डायरेक्ट भी क्वेश्चन हो सकते हैं या मिक्स करके भी हो सकते हैं, तो उस हिसाब से आप इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को लास्ट में एक और बात मैं कहूंगा कि आप सिर्फ इसी के भरोसे ना जाएं कि जो सर ने क्वेश्चंस लिखे हैं यही पढ़ के आ जाएं तो आप जो है अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। आप अपने हिसाब से तैयारी करें। ये तो एक आपको आइडिया देने के लिए मैंने क्वेश्चंस प्रिपेयर किए कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते रहे हैं पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स में। ठीक है, तो बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक एंड
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.